हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे मराठी और हमारी कविता का नाम है सारे कसे छान, मतलब सारे कितने अच्छे हैं। अब बेटा पहले मैं इसको पढ़ूंगी, फिर आपको समझाऊंगी। ऐका वो मना, सुनो और कहो। गावाजवळ नदी, नदीत पाणी, पाण्यात मासा, झोपतो कसा? झोपडीजवळ झाड, झाडावर पक्षी, पक्ष्याच्या पंखांवर छान छान नक्षी, झाडाजवळ शाळा, शाळेत मुले, बागेत जशी डोलतात फुले। अब बेटा देखिए, आपको तस्वीर में क्या नजर आ रहा है? एक गांव है और गांव के पास क्या है? एक नदी बह रही है। नदी में आपको मछलियां नजर आ रही है। फिर उसके दूसरे किनारे पर एक झाड़ है और एक झोपड़ी। झोपड़ी के बाजू में जो झाड़ है उस पर कुछ परिंदे बैठे हैं। नजर आ रहा है ना बेटा आपको? तो आइए मैं इसको समझाऊंगी। गांव के पास नदी है, नदी में पानी है, पानी में मछलियां सो रही है और उसके बाजू में दूसरे किनारे पर एक दरख्त नजर आ रहा है आपको, एक ट्री नजर आ रही है और ट्री के बाजू में क्या है बेटा? एक झोपड़ी है। अब वो जो ट्री है बेटा, उस ट्री पर कुछ परिंदे बैठे हैं और उनके परों पर नक्शी है, यानी डिजाइन है। आपने अपने घरों के अतराफ में अक्सर उड़ते हुए परिंदे देखे होंगे, जिसमें है चिड़िया। देखिए, देखा है बेटा आपने चिड़िया को कभी? उसके परों पर अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत नक्शी बनाई है कि जो लाजवाब है, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। और दरख्त के बाजू में एक नदी है, नदी के उस तरफ बेटा क्या है? एक स्कूल है और स्कूल में क्या है? बच्चे हैं। बच्चे कैसे लग रहे हैं? बाग में फूल की तरह लग रहे हैं। अब बेटा बच्चों का मुआवजना, यानी बच्चों का किससे किया गया है? फूलों से किया गया है। मतलब स्कूल में बच्चे ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे बागों में फूल नजर आते हैं, है ना बेटा? देखिए आपको नजर आ रहा होगा ये गांव का मंजर कितना अच्छा है, और जो स्कूल का मंजर है बेटा उसमें देखिए बच्चे कितने अच्छे नजर आ रहे हैं। चारों तरफ रौनक ही रौनक नजर आ रही है, दिख रहा है ना आपको तस्वीर में? अब ये बेटा यहाँ पर एक पक्षी की तस्वीर दी है, दूसरा है। देखिए पक्षी का पर बताया हुआ है, उस पर देखिए कैसी नक्शी बनी हुई नजर आ रहा होगा आपको। उसके बाद में है झोपड़ी, फिर है झोप, उसके बाद है झाड़। अब बेटा अच्छा, अब हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon.